नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप ऑनलाइन कमाए हुए पैसे ट्रोन लिंक प्रो एप्लीकेशन के जरिए अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने मोबाइल डिस्प्ले ऑन कर दिया है और उसमें मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने ट्रोन लिंक प्रो एप्लीकेशन मैंने सर्च कर लिया है। इस एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन में इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन नजर आएगा। सबसे पहले है क्रिएट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट अकाउंट। आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है अगर आप पहली बार आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपने इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लिया है तो आप यहाँ इंपोर्ट अकाउंट पे क्लिक करके आप पुराने अकाउंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं मान के चलूंगा कि आप पहली बार इस एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ यूजर प्राइवेसी एग्रीमेंट आ गया है। आपको इसे पूरा एकदम स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक्सेप्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम सेट करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा यूजर नेम एकदम यूनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक यूजर नेम टाइप कर दिया है। अब यहाँ नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए, वो सारी क्राइटेरिया यहाँ बताई गई है। तो चलिए ये पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है और यहाँ जितने भी पॉइंट्स जो रेड कलर में थे सब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। जब ये पूरे ग्रीन कलर में हो जाएंगे उसके बाद ही आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। जब तक ये ग्रीन में नहीं होता है तब तक आपको ये सारे ऑप्शन जो लिखे हैं इन सभी को कंबाइन करके अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एंटर पासवर्ड अगेन, जो पासवर्ड आपने एंटर किया था उसे री एंटर करना है। उसके बाद कंफर्म पे हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पासवर्ड री एंटर कर दिया है, कंफर्म बटन हाईलाइट हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करके इस एप्लीकेशन को हम प्रोसीड करेंगे आगे। अब इस एप्लीकेशन के प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आगे के कुछ स्टेप जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, ना ही कोई उनका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो इस वजह से मैं दूसरे मोबाइल फोन के जरिए पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये सारी डिटेल अब मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा। यहां सबसे पहले आपको बैकअप नाउ ऑप्शन दिखेगा, यहां आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे इस तरह से आपके सामने कई सारे अल्फाबेट्स नजर आएंगे। ये सारे अल्फाबेट इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, आपको इसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है आई हैव सेव्ड एंड सिक्योर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर हाईलाइट हो चुका है और अब हमें बताना है कि 12 नंबर पे कौन सा टेक्स्ट यहाँ पर था। तो चलिए मैंने उस टेक्स्ट को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ से उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा जो 12 नंबर पे था। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ मुझे बताना है कि 10 नंबर पे कौन सा टेक्स्ट था और इनमें से एक टेक्स्ट हमें यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ से मैं वाटर पे क्लिक कर लूंगा और उसके बाद यहाँ दोबारा से मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेंड, दूसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा रिसीव। तो फंड रिसीव करने के लिए यहाँ रिसीव बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बारकोड नजर आ रहा है और यहाँ पर आपका एड्रेस नजर आ रहा है। आप चाहें तो इस बारकोड को स्कैन करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या तो यहाँ कॉपी द कलेक्शन एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं और इस एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पर आप इस एड्रेस को पेस्ट करिए और ट्रांसफर बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वो बैलेंस आपके वॉलेट में यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ ही मिनटों के भीतर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इस
बैलेंस को किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको सेंड बटन दिख रहा है, आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर रेड कलर में जो दिख रहा है, इसे देखकर घबराइएगा नहीं। यहाँ पर लिखा है द अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज ट्रांसफर TRX टू एक्टिवेट द अकाउंट। कहने का मतलब है अभी तक हमने अपने इस वॉलेट में कोई भी TRX ट्रांसफर नहीं किया है। जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही कोई फंड हमारा रिसीव हो जाएगा, हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप है, यहाँ रिसीविंग अकाउंट का डिटेल हमें एंटर करना है। रिसीविंग अकाउंट का डिटेल कहने का मतलब है कि या तो आप वजीरेक्स का अकाउंट डिटेल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या तो कॉइन स्विच का अकाउंट डिटेल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप उस एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं जो आपकी इस वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस होगा। तो उसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन करिए, जितना बैलेंस आपके अकाउंट में यहाँ रहेगा वो बैलेंस आपको नजर आएगा और वो अमाउंट यहाँ एंटर करके सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। कुछ ही मिनटों के भीतर इस वॉलेट से बैलेंस ट्रांसफर होके आपके वजीरेक्स के वॉलेट में आ जाएगा और वजीरेक्स से किस तरह से आपको बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में लेना है वो सारा डिटेल हमने इस वीडियो में बताया है पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, साथ ही मैंने आई बटन में भी डाल दिया है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा डिटेल इसमें बताया गया है। आप इसकी मदद से कमाए हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में सुरक्षित रूप से रिसीव कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों का आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।